नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के इतिहास के पाठ औद्योगिकरण का युग का द्वितीय भाग। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार उपनिवेशों में और मुख्य रूप से भारत में औद्योगिकरण हुआ। मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फ्रांस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़े के थान ऊंटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दरों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। यह व्यापार भारतीयों के नेटवर्क से चलता था। इसमें बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। यह सौदागर बुनकरों को पेशानी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों का नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों ने की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाला निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिर सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का मूल 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक ये गिरकर केवल 30 लाख रुपए का रह गया। सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत है। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब हम जानेंगे कि बुनकरों का क्या हुआ। जो भारत में बुनकर कपड़ा बनाते थे उनका क्या हुआ। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को भेजते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्रों में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने अधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहले कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने की पाबंदी लगा दी।
जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़ों की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पत्ते थे जिन पर वो खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे और औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी बहुत सारे गांवों में बुनकरों और गुमाश्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय में उनकी मदद करते थे। लेकिन नए गुमाश्ता बाहर के लोग थे, वो उनकी जरूरतों का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघाल लगा लेते थे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई और वो ये थी कि अब मैनचेस्टर और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में काम बढ़ने लगा और वहां से उत्पादन भारत आने लगा। जैसा कि इस चित्र में हम साफ रूप से देख सकते हैं कि मैनचेस्टर से बॉम्बे आने वाला उत्पादन 18वीं सदी में बढ़ने लगा था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रहा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का 33% था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं। उनके निर्यात बाजार ढह रहा था क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे उद्योग आने लगे थे जो भारत जैसे कपड़ों को फैक्ट्रियों में ज्यादा तैनात में बना पाते थे, और दूसरी समस्या यह कि स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था क्योंकि इंग्लैंड की फैक्ट्रियां ना ही केवल इंग्लैंड के लिए माल बना लेती थी बल्कि भारतीय बाजारों के लिए भी सस्ता माल बना पाती थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास का आना बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत के कच्चा माल मांगने लगा और भारत का सारा कच्चा माल ब्रिटेन जाने लगा। इतना कम नहीं था तो 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कारखानों में भी उत्पादन शुरू हो गया और इन सभी चीजों ने मिलकर भारतीय बुनकरों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार उपनिवेशों में और मुख्य रूप से भारत में औद्योगिकरण हुआ, किस प्रकार बुनकरों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिनके कारण अंत आते आते वो मिट से गए, और किस प्रकार भारतीय फैक्ट्रियों ने और मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों ने भारत के बाजार में अपना दबदबा बनाया। आने वाले सत्रों में हम देखेंगे कि भारतीय फैक्ट्रियां आखिर कैसे उभरी, औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या था, और जिन वस्तुओं का भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन हुआ उनके लिए बाजार कैसे बनाया गया। अब हम अपनी अंग्रेजी शब्दावली को समृद्ध करने के प्रति कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे। रस्टिकेशन अर्थात निष्कासित करना। इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं, द डीन रस्टिकेटेड द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग, अर्थात प्रिंसिपल या डीन ने विद्यार्थियों को बेईमानी करने के लिए निष्कासित। Perseverance अर्थात दृढ़ संकल्प। इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं, Our freedom fighters persevered for our independence, अर्थात हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमें आजादी दिलाने के प्रति दृढ़ संकल्प रखते हैं। Temporal अर्थात लौकिक। इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं, Buddha sacrificed all temporal pursuits, अर्थात भगवान बुद्ध ने सारे लौकिक मोह त्याग। मोनोपोली अर्थात एकाधिकार। इस शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में देख सकते हैं, द ब्रिटिश ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली इन इंडिया, अर्थात अंग्रेजों ने भारत पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश की। धन्यवाद।